आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा कैसे बनाया जाता है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। पहले हमें चाहिए कटे हुए ब्रेड, सेकंड हमें चाहिए मलाई, थर्ड हमें चाहिए थोड़ी सी किशमिश जो कटी हुई होनी चाहिए, साथ में नारियल का बुरादा डेकोरेशन के लिए, और साथ में हमें चाहिए चाशनी चाहिए। चाशनी बनाने के लिए हमने 1 कटोरी चीनी, 2 कटोरी पानी और 1 हरी इलायची इसमें डाल दिया, उसको बॉईल होने दिया है। जब ये चाशनी बन जाएगी, सेकंड हमें चाहिए, एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है ब्रेड को फ्राई करने के लिए। अब हमने ब्रेड्स को ना गोल्डन ब्राउन होने तक उसको अच्छे तरीके फ्राई करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, इसको निकालने के बाद हमें एक प्लेट पर रख देना है। जब थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। फ्रेंड्स देखो, उसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और इसको सारे मैंने एक नीचे एक पेपर लगा दिया, जिससे थोड़ा सा इनका जो ऑयल है वो सारा सूख जाए। और उसके बाद मैं अब इसको चाशनी में लेके एक डिप करूँगी। चाशनी में थोड़ा डिप करना है, उसके बाद इसको दोनों साइड डिप करने के बाद इसको निकाल देना है। निकाल के हमने एक प्लेट पे रख देना है। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, जैसे इस पर थोड़ी थोड़ी मैंने मलाई लगा दी है, अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कोकोनट का बुरादा डाल दूँगी। जितना आपको अच्छा लगे आप उस तरह आपसे डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से कवर कर देना है वे थोड़ी सी इस पर किशमिश या बादाम, जैसे भी आपको जो चीज़ पसंद है आप उस पर डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका शाही टुकड़ा रेडी हो जाएगा और आप इसको खा सकते हैं।